अस्सलाम वालेकुम और सब लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़। यहाँ मैंने चार बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उन्हें पील कर लिया है। अब हम इन्हें वॉश करके जो है कट कर लेंगे। यहाँ मैं एक कटर की सहायता से एक आलू कट करके दिखाऊँगी। अगर किसी के पास कटर नहीं है तो वो नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए आलू हमारा कट चुका है इस तरह से। अब यहाँ हम आलू के थोड़े मोटे साइज़ के स्लाइस काट लेंगे लंबे साइज़ में, और एक चॉपिंग बोर्ड या प्लेट के ऊपर रख कर हम नाइफ से इसको कट करेंगे इक्वल साइज़ में। देखिए आलू हमारे कट हो चुके हैं। अब हम इन्हें वॉश कर लेंगे दो तीन पानी धोकर। अब यहाँ मैंने एक भगोने में पानी रख दिया है और उसको एक बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे। और बॉयल आने के बाद हम ये जो हमने आलू धो रखे हैं इसे इस पानी में डाल देंगे और करीब दो से तीन मिनट हम इसे उबलते हुए पानी में पकाएंगे। हम इसे फुल फ्लेम पे एक उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखिए उबाल आ चुका है और करीब दो से ढाई मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें इसे निकाल लेंगे अलग बर्तन में और इसका पानी जो है हम एक फ्रेश कपड़ा लेके उससे साफ़ कर देंगे ताकि ऑयल में डालते वक्त इसमें छींटे ना उड़ें। अब हम एक पैन में जो है तेल लेंगे। आप चाहे तो फॉर्च्यून या मस्टर्ड ऑयल कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें आलू डाल देंगे। इन आलू के स्लाइसेस को हमें करीब दो से तीन मिनट तक फ्राई करना है और दो से तीन मिनट के बाद हम इसे एक जो है टिश्यू पेपर पर प्लेट में निकाल लेंगे हाफ रन करके, और करीब दस मिनट इसे हवा लगा कर हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे। आपको जितना क्रिस्पी बनाना है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये देखिए हमारे आलू जो है क्रिस्पी हो रहे हैं। और अगर आपको इसको जितना कलर रखना है, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन, ज़्यादा कुरकुरे करने हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंच फ्राइज़ बनके तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें केचप के साथ सर्व कीजिए या इसमें जो है चाट मसाला डालकर खाइए।